बच्चे और मेरे बैग पे क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम मुझे भूल गई? अरे हम और तुम अभी कल शाम को ही तो मिले थे क्लब में, और तुम ये भी कह रही थी कि तुम अपने पति से खुश नहीं रहती हो। क्या कल मैं क्लब में थी? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? लेकिन तुम मेरे बेडरूम में यहाँ क्या कर रहे हो? एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। अगर मेरे पति ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निकलो निकलो यहाँ से। अरे एक मिनट मेरी जान, इतना क्यों परेशान हो रही हो तुम? चला जाऊंगा, अभी तो हम कल ही मिले हैं, और कल तो तुम मेरे साथ इतनी रोमांटिक हो रही थी, अब क्या हो गया? ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें देख लिया ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। निकलो। ओके आई यू विश बेबी। वो एक्सक्यूज मी, ये मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखो बॉबी, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, इसको मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन कल रात मैं क्लब में थी, मैं तभी इससे वहीं पर मिली थी। बस करिश्मा, आगे तो मैं समझ ही गया, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। वाह वाह करिश्मा वाह, बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ, और मेरे ही बेडरूम में तुम दोनों। नहीं बॉबी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में हम दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। एक मिनट करिश्मा, एक मिनट मेरी भी तो सुनो। वो क्या है ना कि कल रात को हम दोनों क्लब में मिले, इन्होंने मुझे पसंद किया और मैंने इनको, फिर हम नशे की हालत में यहाँ तक आ गए। बस चुप कर एकदम चुप, और हाँ मेरे घर में मेरे बेडरूम में फालतू बोलेगा तू? खड़ा हो चल खड़ा हो। बॉबी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। बस कर तू, वो तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये और तू यहाँ मेरे बेडरूम में, और कल वहाँ क्लब में क्या क्या गुल खिलाए होंगे तुमने, अब ना तेरी शक्ल में और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जा मेरे घर से। लेकिन बॉबी तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हो, तुम्हें तो पता है ना कि हाउ मच आई लव यू। चुप कर तू, अब मैं ना यहाँ तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुझे अभी की अभी तलाक देता हूँ, चली जा तू अपने घर। बॉबी तुम्हारे मन के अंदर मेरे लिए इतनी नफरत भरी है कि तुम मुझे मेरी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दे रहे हो, सीधा तलाक। ठीक है, मुझे भी तुम जैसे इंसान के पास ना एक मिनट भी नहीं रहना जो मुझे मेरी सफाई का मौका तक ना दे। तो हमारे प्लान के मुताबिक हमारी योजना सफल हुई, अब मुझे आप मेरे पैसे दे दीजिए, फाइनली आपका घर टूट गया, मतलब अब आपकी बीवी शायद कभी वापस नहीं आएगी। हाँ शुक्रिया, और ये लो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई मत देना, और मेरी बीवी से कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चलो। आज किसका घर बर्बाद करने के लिए निकले हो तुम? ओ एक्सक्यूज मी मैडम, मैं भला क्यों बर्बाद करूंगा किसी का घर? अच्छा आज तो बड़े भोले बन रहे हो, तुम्हारी उस दिन बेहुदी हरकत की वजह से ना मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना ही घर ना ही मेरे माँ बाप, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और आज मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम हो इन सब चीज के जिम्मेदार। देखिए मैडम शायद आपको मालूम नहीं है पर ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इन सब चीजों के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे दिए गए थे, वो भी आपके पति के थ्रू। क्या? हाँ मैडम, वो सब काम मैंने तो मजबूरी में किया था, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, और हाँ अगर आपको लड़ना ही है तो जाके अपने पति से लड़िए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और हाँ मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पति आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, और उन्होंने ये सब इसलिए करवाया था ताकि वो किसी और से शादी कर सके, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैडम मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। देखिए मैडम आगे से मुझ पे कोई इल्जाम मत लगाइएगा, चलता हूँ मैं।
सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ श्योर। मिस्टर बॉबी आप ही हैं? यस सर। करिश्मा तुम यहाँ? हाँ, क्यों, क्या हो गया? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? पर तुम्हारा और मेरा तो तलाक हो चुका है, तो तुम और ये पुलिस मेरे घर में क्या कर रही है? सब पता चल जाएगा तुमको तुम्हारे जेल जाने के बाद। जेल? मैं जेल क्यों जाऊंगा? और मेरी गलती क्या है? तुम्हारे खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में केस दर्ज हुआ है, जो कि इस मैडम ने किया है। तो सर अगर केस दर्ज करना ही है तो इसके खिलाफ कीजिए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरा नहीं इसका चल रहा है। मैंने इसे अपने ही रूम में देखा था किसी और के साथ, इसीलिए मैंने इसको धक्के मार के घर से निकाल दिया, और मैं इसे डिवोर्स भी देने वाला हूँ। तो केस मेरे खिलाफ नहीं इसके खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि शादीशुदा होने के बाद भी मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था? है कोई प्रूफ? तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है? शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे पास क्या सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अंदर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी जिसके साथ मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। ओए, क्या लफड़ा चल रहा है इन दोनों के बीच में, बता जल्दी। सर वो इन्होंने ना अपनी बीवी के ऊपर गलत इल्जाम लगाने के लिए मुझे 10,000 रुपया दिया था, और ये कहा था कि क्लब में मेरी बीवी जाती रहती है तो वहां पर जाकर ड्रिंक में नशे की दवा मिला देना, उसके बाद मेरी बीवी को घर ले आना, और जब मैं तुम दोनों को साथ देखूंगा तो फिर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, और तलाक देने के बाद मैं जिससे प्यार करता हूं उससे शादी कर लूंगा और मैं अपनी बीवी से दूर हो जाऊंगा। सर इन्होंने ये सब करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। तो तुम्हारे पास कोई सबूत है कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है। यस सर, मेरे पास सबूत है और वो सबूत मैंने मैडम जी को दे दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये सब किया क्यों? पहले 10,000 रुपया लिए उनसे, उसके बाद में मैडम को बचा भी रहे हो, उनका घर भी तोड़वा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि उस वक्त मुझे सर पैसों की सख्त जरूरत थी, और उसके बाद में सर एक दिन मैं शाम को मैडम से मिला तो सर मैडम को मैंने काफी परेशान देखा, और मुझे ये बात एहसास हुआ कि मैडम सच में अपने पति से बहुत प्यार करती थी। तो सर फिर मैंने अपनी गलती सुधारने का फैसला लिया सर, और मैडम को सारी सच्चाई बता दी, और सर अब मैं मैडम की तरफ से गवाही भी दूंगा सर कोर्ट में कि ये सर गलत किए। बहुत अच्छा, तुम अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो चल बेटा, तुझे अब जेल की हवा खिलाता हूं मैं, तब तुम्हारी समझ में आएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, समझे? करिश्मा क्या तुम हमारे रिश्ते के लिए एक चांस नहीं दे सकती मुझे? कौन से रिश्ते के लिए तुम्हें मौका दूं? वो रिश्ता जिसे तुमने धक्के मार के घर से निकाल दिया था। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इसको।